नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। आरोग्य सेतु ऐप, इस ऐप के बारे में आप सभी बखूबी जानते होंगे। ये ऐप हमारे और आपके लिए कोरोना वायरस से बचने का एक कारगर उपाय बताया गया है। भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया है और इस ऐप को लॉन्च करने के बाद कई सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में लोगों को इसे इंस्टॉल करने के लिए भी कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता को संबोधित करते हुए इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कहा है। इस ऐप में हम अपने आसपास के इलाके के लोगों को देख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि हम जिस इलाके में हैं वो कितना संक्रमित इलाका है, कितना सुरक्षित इलाका है। इसके अलावा जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ये ऐप हमें बार बार सूचित करता रहता है कि हम किसी ऐसे शख्स से तो नहीं मिल रहे जो कोरोना वायरस संक्रमित है। इसके अलावा इस ऐप में एक और अच्छी बात अभी हाल फिलहाल में जोड़ी गई है, वो है आरोग्य सेतु मित्र। इसमें जो है हम अपने डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकते हैं, दवाइयाँ मंगा सकते हैं, वीडियो कॉल और कॉल के जरिए डॉक्टरों से बातचीत की जा सकती है। इसके अलावा कोरोना वायरस की जांच के लिए घर बैठे ही आपके सैंपल को ले जाया जाएगा। लेकर मोटी मोटा बात ऐसे समझिए कि आरोग्य सेतु ऐप इसलिए बनाया गया था ताकि हम और आप कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सकें। लेकिन दोस्तों, जब आप आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करते हैं तब इसमें जब अलाउ करने से पहले कई तरह की सूचनाएं दी जाती हैं। इसमें सूचनाओं में एक सूचना ये भी दी जाती है कि अगर आपका डाटा लीक हो जाता है या अगर आपके डाटे का कोई इस्तेमाल कर लेता है तो इसको लेकर कोई जवाबदेही किसी की नहीं बनेगी, कोई भी इसको लेकर जवाबदेही के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस तरह की बात हैकर ने इसे हैक करके लोगों को सूचित किया। इसके अलावा मंत्रालय को भी सूचित करते हुए उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप में कुछ त्रुटियां हैं, आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करें ताकि मैं आपको बता पाऊं, क्योंकि 9 करोड़ लोगों की सुरक्षा का मामला है। उसके बाद इन्हें कॉल किया जाता है भारत सरकार, भारत मंत्रालय की तरफ से। ये भी बात उन्हीं के ट्वीट से ही साफ हो पाती है। 50 मिनट के बाद वे ट्वीट करिए बताते हैं कि मुझे कॉल किया गया था, मुझे संपर्क किया गया था, मैंने जो है वो कमियाँ बता दी हैं। जब ये सारी बातचीत हो रही थी तो सरकार की तरफ से सफाई ये आई है कि इसमें कोई भी तरह की कमी नहीं है। हैकर ने हमें ये बताया कि ये लोगों को ट्रैक कर रहा है और इससे लोगों की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है, लेकिन हमने उन्हें बताया है कि ये लोगों को ट्रैक नहीं कर रहा है, इसमें कोई कमियां नहीं, बल्कि हमने इसे इस तरह ही बनाया है कि लोगों को ट्रैक करे ताकि लोगों को सुरक्षित किया जा सके, इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने साफ की। उसके बाद हैकर ने इस पूरे चिट्ठी को उठाकर फिर से जवाब देते हुए ये कहा कि अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी नहीं है तो मैं जल्द ही इस पर कार्रवाई करूंगा और आपको फिर से मैं जल्द ही आपको जवाब दूंगा। अगले दिन उन्होंने 5 तरह की जानकारी दी, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। एल्सन नाम है हैकर का, उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को बोला है कि ओपन सोर्स ऐप है। उन्होंने कई तरह के दावे किए, उन्होंने बताया कि पीएमओ ऑफिस में 5 लोगों की तबीयत खराब है, भारतीय सेना मुख्यालय में 2 लोग अस्वस्थ हैं, संसद में 1 आदमी कोरोना वायरस से संक्रमित है और गृह मंत्रालय में 3 लोग संक्रमित है। इस तरह की बात हैकर ने कही है। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हैकर है वो एक आम हैकर नहीं है, इन्होंने इससे पहले आधार कार्ड को भी हैक किया था। आधार कार्ड को हैक करके उन्होंने कई तरह की जानकारी को साझा किया था। इन्होंने ये बात तो साफ कही है कि जब तक इसको सुरक्षित नहीं किया जाएगा तब तक वो ऐसे ही लोगों को सूचित करते रहेंगे और इस चीज़ को पब्लिक करते रहेंगे। इस तरह की बात इस हैकर ने कही है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले इस हैकर ने 2 साल पहले RS शर्मा ने आधार कार्ड का नंबर जो है वो ट्विटर पर लिखते हुए ये कहा कि कोई अगर इसे हैक कर ले तो मैं जानूं। उसके बाद इस हैकर ने लोहा लिया और इसे हैक करके दिखाया, कई तरह की जानकारी शेयर की, फोटोज, ईमेल और ना जाने कई तरह की जानकारी। बस वो बैंक के डिटेल को नहीं दे पाए क्योंकि आधार कार्ड बैंक से अटैच नहीं था। तो दोस्तों, ये समझिए कि ये हैकर एक बार आधार कार्ड हैक कर चुका है और दूसरी बार आरोग्य सेतु ऐप को हैक कर सरकार को सीधे सचेत कर रहा है कि आप अगर इसको सुरक्षित नहीं करते हैं तो ये 9 करोड़ लोगों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण मंत्रालय की सूचना को भी पब्लिक किया जा सकता है। दोस्तों सोचिए, छोटा सा हैकर जो विदेश में बैठी जानकारी को ऐसे ही पा ले रहा है। दोस्तों, जिन लोगों ने किया था उन लोगों के मोबाइल फ़ोन से कई तरह की जानकारियाँ जो हैं वो पब्लिक हो सकती हैं या फिर विदेश में बैठा कोई भी एक इंसान इसका इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, हमारी और आपकी बात नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि जिन जिन मंत्रालयों का इसने हैक करके सूचना बाहर निकाली है वो मंत्रालय कितने महत्वपूर्ण हैं, भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। अगर इनकी जानकारियां ऐसे ही हमारे किसी दुश्मन देश को मिल जाती हैं तो इसका कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है, हमारी सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा जो है वो आ सकता है। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता देना चाहती हूँ।
डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता हैं निखिल, उन्होंने कई तरह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि फ़ोन का इस्तेमाल कर जो डेटा हम जनरेट करते हैं, जैसे कि लोकेशन डेटा, SMS हिस्ट्री, कॉल हिस्ट्री, इन सब पर रिस्क है। उन्होंने बताया कि यह निर्भर करता है कि सरकार हमारे फ़ोन को किस तरह के डाटे को एकत्रित करे। इस तरह की बात दोस्तों समझना ये होगा कि सरकार ने कई लोगों को इस ऐप को ज़बरदस्ती इंस्टॉल कराया है, तो क्या सरकार हमारे डेटा को कलेक्ट करना चाहती थी? अगर मान लेते हैं कि सरकार हमारे डेटा को एकत्रित नहीं भी करना चाहती थी, लेकिन अब यहाँ ये सवाल खड़ा हो रहा है कि इस डेटा को कई लोग जिनको हम जानते भी नहीं, जो विदेश में बैठकर हमारे डेटा को हैक कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत गंभीर विषय है और अगर इसमें कार्रवाई नहीं की गई तो एक चिंता का विषय जरूर बन सकता है। दोस्तों इससे पहले लोकतंत्र को आवाज़ से डर था, आतंकियों से डर था, लेकिन अब जो है जैसे जैसे ज़माना बदला है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी से भी डर होने लगा है। टेक्नोलॉजी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब ये लोकतंत्र पर खतरा भी बन सकती है, देश पर खतरा भी बन सकती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी समस्या का समाधान करें, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी और आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सारी चीज़ों पर सवाल खड़ा करें और पूछें कि क्या सच में ये सारी चीज़ें सही हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है कि आरोग्य सेतु ऐप हमारे और आपके लिए सुरक्षित है? इसकी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए ब्लूटूथ और हमें डेटा ऑन किया जाता है, हमारे फ़ोन को ये कभी भी ट्रेस करता है। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर हमारी सरकार ट्रेस कर रही है तो भी कुछ हद तक बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन अब देश के बाहर बैठा, विदेश में बैठा एक शख्स जो है वो आराम से किसी को भी ट्रेस कर सकता है। हमारे और आपकी बात नहीं है, लेकिन ये मंत्रालय जो विशेष मंत्रालय हैं जो हमारे और आपके लिए सुरक्षित है, हमारे देश की आत्मा है, अगर इन पर कोई भी हमला होता है तो कितना रिस्की हो सकता है दोस्तों समझना होगा। और आपको क्या लगता है कि ये जो हैकर है वो सही कह रहा है? ट्विटर पर इन्होंने जो जो कहा उसको लेकर कहीं आपकी भी चिंताएं बढ़ रही हैं, तो आप चिंता ना करें, आगे चलकर जो भी इस चीज़ को लेकर जानकारी आएगी हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।